नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 7 के हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें दोस्तों हम आज का जो पेपर जो है हिंदी का वो सॉल्यूशन देखते हैं, वो 2018 का है और हम इसे प्रैक्टिस पेपर के रूप में देखेंगे। और आज 2019 में आज जो लेने वाले हिंदी के अब पेपर, उसमें आपको इस पेपर से सहायता मिलेगी। और जब हमारा हिंदी का पेपर आज कंप्लीट हो जाएगा तो उसका सॉल्यूशन भी हम अपने चैनल में ज़रूर रखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। यह देखते दोस्तों, प्रश्न एक है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो निम्नलिखित शब्दों में से गलत शब्द ढूंढिए। तो यह मुँह गलत शब्द है। मुँह को ऐसे लिखे जाते हैं, मुँह इस तरह से लिखते हैं, इसलिए यह गलत है। शब्दकोश का सही क्रम चुनिए। तो आम और अंबर ये सही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो पर्वत व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। राधा राधा क्या कर रही है, वाक्य में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो प्रश्नार्थ। रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ तुलसीदास ने लिखा था। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। वचन परिवर्तन किताब, तो किताबी ये सही जोड़ है। सही वर्तनावली वर्तनी वाला शब्द पहचानी, तो प्रार्थना ये सही वर्तनी वाला शब्द है। आगे देखते हैं दोस्तों कि यह एक परिच्छेद दिया गया है और उसी के आधार पर हमें प्रश्न दिए गए हैं। तो उसे प्रश्न को हम देखते हैं कि सुदृढ़ शरीर और शांत मन कैसे प्राप्त हो सकता है, तो योग के अभ्यास से ये हमें यह दिया गया है दोस्तों। योग के अभ्यास की कला से व्यक्ति के मन शरीर और आत्मा का नियंत्रण करने में मदद करती है और यह भौतिक और मानसिक संतुलन करके सुदृढ़ शरीर और शांत मन प्राप्त करता है। योग किसको राहत देता है, तो तनाव और चिंता से राहत देता है। योग किस में सुधार लाता है, तो श्वसन ऊर्जा और जीवन शक्ति में सुधार आता है। परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो योग के लाभ सूचना अनुसार लिखिए। तो रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो लड़की या पाठशाला जाती है, लड़के पाठशाला जाते हैं। ऊँट की पीठ पर सामान लदा है, ऊँटनी की पीठ पर सामान लदा है। रेखांकित शब्द का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। बूंद गिरती है, बूंदे गिरती है। दरवाजे खुले हैं, दरवाज़ा खुला है। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर। सेठ ने बंजारे से के साथ कौन सी शर्त रखी, तो पैसों के बदले में कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। कुत्ते ने सेठ की धोती क्यों खींची, क्योंकि जब चोर चोरी करके माल सामान को उन्होंने कहा छिपाया था, तो वह माल सामान की जगह कुत्ते को पता थी और इसीलिए वो सेठ को बताना चाहता था और इसीलिए उसने सेठ की धोती खींची। लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, सरकारी कार्यालय में, सारे जगह जगह में लोग कतार में खड़े रहते। मनुष्य ने ईश्वर को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है, क्योंकि मनुष्य को विचारने की शक्ति दी है, वह जुबान चलाने के लिए भाषा और सोचने की क्षमता रखता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई अपने आप को ही पत्र क्यों लिखते थे, उनके पिताजी के नाम पे बहुत सारे पत्र आते थे और वो ये देखकर उनको भी लगा कि मेरे नाम से भी पत्र आए, इसीलिए उन्होंने अपने आप को ही पत्र लिखना शुरू किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई को पद्म भूषण से क्यों नवाजा गया, क्योंकि वे महान वैज्ञानिक थे और भारत को अवकाशीय खोज में उन्होंने अथक प्रयास करके आगे पहुंचाया था। टायर फटने की घटना का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो टायर फटने से जूते सिलने वाला मोची घबराता हुआ रोड पे जा गिरा। गुब्बारे वाला व्यक्ति के गुब्बारे उड़ गए, तोता भी उड़ गया और रिक्शा ने बाइक को टक्कर लगा दी। यहाँ आप देख सकते दोस्तों इसका आंसर। जल्दबाजी में निर्णय करने से कौन कौन से नुकसान हो जाते हैं, तो हम ऐसा कार्य कर देते हैं जिससे हमें बहुत पछतावा
होता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो सफलता पाने के लिए अथक परिश्रम करना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों में के संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। तो सभी धर्मों का सार क्या है? तो मिलजुल कर रहना चाहिए और मनुष्य की और सभी जीवों की हमें सेवा करनी चाहिए। सज्जन पुरुष अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करता है? तो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता है और सेवा कार्य में दान करता है। तुम सुबह उठकर क्या क्या देखते हो? तो उगता हुआ सूरज, उड़ते हुए पंछी, ठंडी हवाओं के झोंके और इधर उधर जाते लोग। पोरबंदर शब्द पर पहेली बनाइए। तो खाली जगह अक्षर, खाली जगह नाम मेरा, गांधी से जुड़ा है नाम मेरा, पहले दो कटे तो बंदर कहलाता हूँ, तो बताओ मेरा पूरा नाम क्या है? यह प्रश्नों के उत्तर। हिंदवासियों में कैसी विविधताएं पाई जाती है? तो रूप, रंग, वेश, भाषा और धर्म अनेक है, लेकिन फिर भी सब एक है। हमें प्रभु को कब कब याद करना चाहिए? सुबह उठकर, रात को सोने से पहले, खाने से पहले। तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं? क्योंकि इस संसार में अलग अलग लोग रहते हैं। जैसे नदी और नाव एक दूसरे से जुड़े हैं, वैसे ही हमें मिलकर रहना चाहिए। काव्य पंक्ति है दोस्तों। जब बहुत सुबह चिड़िया उठ कर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलिया दरवाजे खोल खोल कर जब दुनिया मुस्काती है। मंजिल शब्द का समानार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मंजिल का समानार्थी शब्द है ध्येय। हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए अथक परिश्रम करना चाहिए। वाक्य में से जातिवाचक संज्ञा, तो इसमें है मनुष्य, वह है जातिवाचक, यह पौधे, शहर और फूल। नीचे दिए गए ढांचे पर कहानी दोस्तों। आप ये कहानी सोने की मुर्गी, सोने का जो अंडा दे दी थी और एक लालच के कारण उन्होंने मुर्गी को मार डाला और बाद में पछताना पड़ा, वह कहानी आप लिख सकते हैं। गुजराती में अनुवाद। तो भारत ने उत्तरे हिमालय छे, हिमालय दुनियानो सौथी ऊंचो पर्वत छे, जे पर्वतनो राजा मानवामां आवे छे। तेनी ऊंचाई 19,000 फूटथी पण वधारे छे। तेना शिखरो बरफथी ढंकायेला छे। કેટલાક વર્ષો પહેલાં હિલેરી તથા શેરપા તેનઝિંગ હિમાલયના શિખર પર ચઢ્યા હતા. પ્રશ્નો કે ઉત્તર. રિક્ષામાં એક હી આદમી ક્યુ બેઠા હતા? ક્યુકી રિક્ષા વાલે કો શાયદ દૂસરા પેસેન્જર નહીં મિલા હોગા. ટાયર ક્યુ ફટા? જ્યાદા હવા ભરને સે. ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ કિન વિષય પર કાર્ય કરતે હૈ? વિજ્ઞાન ઓર અંતરિક્ષ. મોચી રાસ્તે પર ક્યુ આ ગિરા? ગુબ્બારા ફટા તો વહ ઘબરા ગયા ઇસલિયે. રિક્ષા વાલા બાઇક સે ક્યુ ટકરાયે? ગુબ્બારા ફટા તો गुब्बार नहीं दोस्तों, टायर फटा। टायर फटा तो उसका ध्यान भटक गया। और यह निबंध आप लिख सकते हैं, मेरा प्रिय पक्षी, मेरा प्रिय वैज्ञानिक और 15 अगस्त, इसके बारे में, इस विषय से कोई भी एक के बारे में आप निबंध लिख सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वेद में यह करियर एकेडमी, ये हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए चैनल है, आप उसे भी देख सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।